गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे सेल्फ प्रैक्टिस 9D, है ना। कल आप लोगों ने कंप्लीट कर लिए होंगे ना सेल्फ प्रैक्टिस 9C के 4 वर्ड प्रॉब्लम्स मैंने आप लोगों को करवाए थे। आज उसके बाद हम लोग सेल्फ प्रैक्टिस 9D करेंगे, जिसमें हम सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी, ठीक है, इसमें करना है हमें सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी। तो जैसे मनी, अरे सॉरी, जैसे नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं वैसे ही होगा, बस ध्यान रखना है हमें पैसे के कॉलम में पैसे और रुपीस के कॉलम में रुपीस, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। 6 माइनस 0 6, 4 माइनस 2 2, ठीक है। ये मनी को माइनस किया, सॉरी पैसे को माइनस किया, पैसे के नीचे फिर स्पेस छोड़ देंगे। 0 माइनस 3, तो 0 माइनस 3 नहीं होगा, इससे बोरो लेंगे, ये बन जाएगा 10 और ये रह जाएगा 8, है ना, ये रह जाएगा 8। 10 माइनस 3 7 एंड 8 माइनस 4 4, ठीक है। तो आंसर क्या हुआ, 47 रुपीज़ 26 पैसे। नाउ नेक्स्ट वन, 5 माइनस 5 0, 6 माइनस 9, इसके लिए क्या करेंगे, इधर से बोरो लेंगे, ये बन जाएगा 16 और ये रह जाएगा 4, ठीक है। तो 16 माइनस 9 7 एंड 4 माइनस 2 2 एंड 2 माइनस 1 1, ठीक है। सिंपल, वैसे जैसे माइनस करते थे वैसे ही करना है, बस रुपीज़ और पैसे कहाँ लिखना है ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज 4 माइनस 5, तो नहीं होगा, 4 इससे बोरो करेगा, बन जाएगा 14, ये रह जाएगा 2। 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 9। अब ये 2 है, 2 माइनस 4 नहीं होगा, तो इससे बोरो लेंगे, ये रह जाएगा 7 और ये बन जाएगा 12। 12 माइनस 4 8, 7 माइनस 3 4 एंड 7 माइनस 4 3। 5 माइनस 0 5, 0 माइनस 7 नहीं होगा, इससे बोरो लेंगे, बोरो लेंगे तो ये बन जाएगा 10, ये रह जाएगा 4। 10 माइनस 7 3, 4 माइनस 8 नहीं होगा, तो इससे बोरो लेंगे, ये रह जाएगा 6, ये बन जाएगा 14। 14 माइनस 8 6, 6 माइनस 2 4 एंड 4 माइनस 1 3, है ना। जो सब्ट्रैक्शन हम लोगों ने इतना किया है पीछे, यहाँ एक तरह से उसी का रिवीजन हो रहा है आपका, बस ये है कि ये मनी का सब्ट्रैक्शन है रुपीज एंड पैसे का। 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 5 नहीं होगा, इससे बोरो लेंगे, बन जाएगा 12, ये रह जाएगा 2। 12 माइनस 5 7, 2 माइनस 5 नहीं होगा, इससे बोरो लेंगे, ये रह जाएगा 7, ये बन जाएगा 12। 12 माइनस 5 7, 7 माइनस 7 0 एंड 5 माइनस 2 3, 307 रुपीज़ 70 पैसे। नाउ लास्ट वन, 4 माइनस 4 0, 6 माइनस 6 0, 8 माइनस 7 1, 5 माइनस 1 4, 3 माइनस 2 1 एंड 2 माइनस 1 1, 1141 रुपीज़ एंड 0 पैसे। तो ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नाउ सेकंड क्वेश्चन, गौरी विड्रॉज ₹200 फ्रॉम द ATM, शी स्पेंड्स ₹65.25 ऑन प्रोविजंस, हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद हर। गौरी ने ₹200 ATM से निकाले और उसने अपनी ज़रूरत का सामान लेने के लिए ₹65.25 खर्च कर दिया, हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद हर, अब उसके पास कितना मनी बचा। इसके लिए क्या करेंगे, उसने जो मनी बैंक से निकाला है उसमें से जितना उसने प्रोविजंस पे खर्च किया है उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, मनी विदड्रॉन, जो मनी उसने निकाला है, ठीक है, इज इक्वल टू ₹200, ओके। नाउ मनी स्पेंड इज इक्वल टू ₹65.25,
therefore money left is equal to rupees 200 minus rupees 65.25 is equal to, अब इसको पहले हम यहाँ पर माइनस करेंगे, ठीक है? तो रुपीस 200 एंड माइनस करना है हमें रुपीस 65.25, ठीक है? अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि इसमें नीचे जो 65 है इसके साथ तो पैसे हैं, लेकिन 200 के साथ कोई पैसे नहीं है, लेकिन हमें क्योंकि 25 को माइनस करना है तो हम इसके ऊपर 00 पैसे लिख लेंगे, है ना? 0 पैसे लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सब्ट्रैक्शन के समय हमें यहाँ लिखने की ज़रूरत होगी, तब भी हम इसमें से माइनस कर पाएंगे। तो 0-5 नहीं होगा, इससे बोरो करेंगे, ये इससे बोरो करेगा, ये इससे बोरो करेगा, है ना? तो ये जब इससे बोरो करेगा तो ये रह जाएगा 1 और ये बन जाएगा 10। अब ये इससे बोरो करेगा तो बनेगा 10 और ये रह जाएगा 9। ये इससे बोरो करेगा तो बनेगा 10 और ये रह जाएगा 9। ये इससे बोरो करेगा तो बनेगा 10 और ये रह जाएगा 9। अब 10-5 5, 9-2 7, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 9-5 4, 9-6 3 एंड 1 का 1, और यहाँ पर रुपीज़ का साइन। तो कितना मनी बचा उसका? रुपीज़ 134.75। आंसर लिखेंगे रुपीज़ 134.75 इज लेफ्ट विद गौरी, ठीक है? कि गौरी के पास 134 रुपीज 75 पैसे बचते हैं।